नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं और आज आपके बीच लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इनको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि बीपीएससी के आयोग ने अभी बीपीएससी के तमाम छात्रों को आश्वासन दिया है कि मैं परीक्षा जो है एक ही शिफ्ट में परीक्षा लूँगा, लेकिन वो परीक्षा कब लूँगा, नवंबर में, और परसेंटेज यानी कि परसेंटाइल को जो है हटाया जाएगा। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और नवंबर में जो है एग्ज़ाम लेने का आश्वासन दिया, और इसके लिए बोला है कि जो है बुधवार तक जो है आप लोग इंतज़ार करें, अपडेट किया जाएगा। तो बुधवार तक आप तमाम छात्रों को इंतज़ार करने के लिए कहा गया है बीपीएससी के आयोग के द्वारा, और एक ही शिफ्ट में परसेंटाइज को हटाया जाएगा और उसके बाद नवंबर में एग्ज़ाम लेने का आश्वासन दिया है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को आगाज करते हैं और देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बोरेक्स के बारे में बता दें, इनका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। तो ये जो है Na अर्थात ये हो गया सोडियम का अयस्क, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, तो कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विपल का चयन करें। तो उन ये जो है अल्फा बीटा, ये अल्फा नहीं है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, इनको वेग के बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम होता है अल्फा का, फिर उसके बाद इससे ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का, फिर इससे ज़्यादा होता है प्रोटॉन का, और फिर सर्वाधिक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो यह है वेग के जो है बढ़ते क्रम में, कम से अधिक, अगर द्रव्यमान के अनुसार रहेगा कम से अधिक में, तो ये इस प्रकार से फिर आपका हो जाएगा द्रव्यमान में यानी कि बढ़ते क्रम में, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, फिर अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, यानी कि द्रव्यमान में सर्वाधिक हो जाएगा अल्फा का, लेकिन वेग सर्वाधिक होगा इलेक्ट्रॉन का। अगले प्रश्नों को देखें, संयानता का गुण किस में पाया जाता है? तो संयानता का गुण है केवल द्रव एवं गैसों में ही पाया जाता है, ये ठोस में नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, लाल रक्त कण RBC का जीवन काल, तो 20 से 120 दिनों का होता है RBC का जीवन काल, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो अगर लेंस की क्षमता आपको यहाँ पर प्लस में दिया गया है, माइनस तो दिया नहीं है, तो लेंस तो उत्तल ही होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब देखते हैं, D=1/F होता है, यहाँ पर P यानी कि पावर बराबर, तो 1 दिया हुआ है, 1/F, F ये हो गया, तो F=1/1 यानी कि 1 मीटर होगा और ये उत्तल लेंस होगा। अगला सवाल है, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं, तो ऑटोमोबाइल में ये जो है हाइड्रोलिक ब्रेक जो कार्य करते हैं पास्कल के सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? जैसे कि द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, ये सब अदिश राशि हैं, धारा, दाब और संवेग, वेग, कोणीय संवेग, ये सब जो है सदिश राशियाँ होती है। अगला सवाल है, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये परिक्रमण गति के कारण, जिसे वार्षिक गति कहते हैं, और सूर्य जो है अपने अक्ष पर घूमते, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमते हैं उसे परिभ्रमण या दैनिक गति कहते हैं। अगला सवाल है, एक तरफ खोजकर्ता दिया गया, एक तरफ वैज्ञानिक है, तो मार्कोनी ने रेडियो का खोज किया, ये सही है, JL Baird टेलीविज़न का, और ग्राहम बेल टेलीफोन का, और थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन का। तो इस प्रकार से मार्कोनी रेडियो, JL Baird टेलीविज़न और ग्राहम बेल टेलीफोन और अल्वा एडिसन ग्रामोफोन, इस प्रकार से आपका जो है सीधे सीधे मैचिंग हो रहा है। लार की प्रकृति क्या होगी? तो लार के प्रकृति के बारे में बता दें कि इसका pH मान 6.5 होता है, तो यह अम्लीय प्रकार की हो जाएगी इसकी प्रकृति, तो अम्लीय आपके विकल्प में है नहीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोजन गैस
भरा गुब्बारा क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा यही होगा कि यह हवा में केवल तब तक ही ऊपर उठता है जब उसका भार जो है कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम होगा। जब तक इसका भार कुल भार के जो है विस्थापित वायु के भार से हल्का होगा तभी तक यह हवा में ऊपर उठा हुआ चलेगा। अगला सवाल देखें, केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? हिमांक बिंदु जो है केल्विन पैमाने पर बात करेंगे 273, भाप बिंदु जो है 373 हो जाएगा, तो राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा। तो जब वस्तु जो है अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब दर्पण के उल्टा बनेगा और सीधा आभासी रहेगा वस्तु से बड़ा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा। परिपथ में धारा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो धारा ज्ञात करेंगे जैसे दो है सरणी क्रम में, एक है समांतर में, तो दो और दो जोड़ेंगे तो ये हो गया चार, तो 1/4 हो गया। अब जो है ये समांतर क्रम में एक है 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, ऊपर में ये एलसीएम चला जाएगा और ये 4 × 4 और 4 × 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो मेरा जो है आर निकल गया यानी कि प्रतिरोध 4/3। भी बराबर होता है आई आर, भी बराबर आई आर होता है, तो यहाँ पर भी बराबर 2 वोल्ट दिया हुआ है, आई बराबर हमें निकालना ही है और आर का वैल्यू 4/3 हो ही गया है, तो 2 × 4, तो इस प्रकार से आई गुने 2/3 यानी कि आई बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2 यानी कि 1.5 वोल्ट हो जाएगा, 1.5 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर क्योंकि धारा मांग रहा है। अगला सवाल है, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, तो मोमबत्ती जब हवा में जलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और काली के रूप में कार्बन बनाती है लेकिन नाइट्रोजन नहीं बनाती है। अगला सवाल है, दांतों के एनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद रहता है, दांतों का एनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, तो इसकी प्रकृति पूछा जा रहा है किस प्रकार की, तो ये क्षारीय होती है बेसिक होती है। निम्नलिखित में कौन सही है, सही विकल्प को देखना है, तो सही वही होगा कि सामान्यतः धातुएं जो है तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, रही यही राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? कोशिका का ये रिक्तिका जो है निर्जीव है, बाकी तारक केंद्रक राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया ये सब सजीव हैं, रिक्तिका केवल निर्जीव हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा? तो केंद्रक को जो है साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। धमनी और सिरा में रक्त का पीएच क्या होगा? तो धमनी और सिरा में देखेंगे तो सिरा में रक्त का पीएच अधिक होगा और धमनी में कम होगा, तो इस प्रकार से राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली हैं? तो वास्तविक रूप से मछली अगर देखेंगे वास्तविक मछली के उदाहरण में समुद्री घोड़ा सी हॉर्स भी है और डॉग फिश भी हैं, डॉग फिश और सी हॉर्स, तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है ई होना चाहिए कि इनमें से एक से अधिक, हालांकि यहां पर समुद्री घोड़ा ही केवल लिया गया है। अगला सवाल देखें, जिंपिंग जीन, यह है जिंपिंग जीन, इनके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मैंकलिंग टॉक। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व यानी कि मात्रा के अनुसार सही क्रम, तो सर्वाधिक जो है मानव शरीर में देखा जाए तो ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग 65%, और उसके बाद देखा जाए तो कार्बन पाया जाता है 18%, और उसके बाद हाइड्रोजन 10%, फिर अगर उसके बाद नाइट्रोजन देखेंगे तो 3% पाया जाता है, फिर उसके बाद कैल्शियम 1.4% के लगभग, तो ये ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम, इस प्रकार से राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? देखा जाए ऑक्सिन्स का प्रयोग फल पकाने में, फ्लोरेजेंस फूल खिलाने वाले
एथिलीन का प्रयोग जो है फल पकाने में किया जाता है, तो ये ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि मैचिंग गलत है। और जिब्रेलिन्स बौने पौधे को लंबे कर देते हैं, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहयोग, और एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक होते हैं, तो ये सब सही हैं, बाकी ए ऑप्शन गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, B3 का नियासिन, B7 का बायोटिन और B11 का फॉलिक एसिड, ये सब सही हैं, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं गलत हैं। अगला सवाल देखें, रासायनिक परिवर्तन अर्थात केमिकल चेंज में शामिल है, तो केमिकल चेंज में शामिल है अवशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन या फिर ऊर्जा की मुक्ति, तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका सी। अगला सवाल देखें, जंग एक मिश्रण है, तो रस्ट का जो है सूत्र पूछा जा रहा है, तो Fe2O3 FeOH का होल 3 Fe2O3 और FeOH का होल 3, राइट आंसर सी हो जाएगा। स्मॉग किसका उदाहरण है? तो स्मॉग जो है ये जो है हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी होते हैं यानी कि कोहरे होते हैं, तो इसलिए विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? क्लास 2 लीवर का उदाहरण पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है, तो हो जाएगा व्हील बैरो राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक चालकता की दृष्टि से देखेंगे तो समुद्री जल हो जाएगा। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। अगला सवाल देखें, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा ग्लॉस ब्रिज किस देश में बनाया गया है? तो ये दुनिया का सबसे लंबा ग्लॉस ब्रिज वियतनाम में बनाया गया है। बिहार के पहले ग्रीन फील्ड इथेनॉल संयंत्र जो है पूर्णिया जिला में खोला गया, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? विश्व व्यापार संगठन का जो है 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन, तो ये जेनेवा में किया गया। अगर स्थापना की बात करें तो 1995 में स्थापना हुआ स्विट्जरलैंड जिनेवा में। अगला सवाल देखें, विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो कि 25 अप्रैल का को मनाया गया था, इसका थीम क्या रखा गया था? तो 25 अप्रैल को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का थीम था अवेयरनेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? ये बेंगलुरु कर्नाटका में। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप हाल ये जो है भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण कहां पर किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दृष्टि बाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल जिनका नाम है अक्ष, ये कहां से लॉन्च किया गया? तो ये अक्ष जो है नागपुर से लॉन्च किया गया, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये जीतने वाले हैं हरियाणा राज्य, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ये ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहला जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रदान किया गया।
हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया? डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत जो है श्रम मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से था। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया और जिनका नाम कवच रखा गया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल हो गया है। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता? तो इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब पहली बार हैदराबाद FC ने जीता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया? 39,44,909 करोड़। राइट आंसर डी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष जो है 2021-22 के लिए स्थिर मूल्य पर GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो GDP वृद्धि दर जो है 9.2% अनुमानित है। भारत और बांग्लादेश ने किस तिथि को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? भारत बांग्लादेश, तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, लेकिन मैत्री दिवस 10 दिन पहले मनाने का फैसला लिया है भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को। हाल ही में खबरों में रहा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है, जिसे आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नियुक्तियों की बात करें जिनमें कि सुमेलित नहीं है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो ये कौन है? सुमन बेरी है, तो ये तो सही ही है। फिर है रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी, तो ये भी सही हैं। फिर उसके बाद है मुख्य आर्थिक सलाहकार, वर्तमान में के विजय राघवन नहीं है बल्कि कौन है? अनंत नागेश्वर हैं। तो इसलिए जो है आपका आंसर ये गलत है, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर और DRDO के महानिदेशक सतीश रेड्डी, ये तो सही हैं। अगला सवाल देखिए, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया? तो 32वें क्रम के थे ये नाटो शिखर सम्मेलन 2022, स्पेन में किया गया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 जारी किया गया, जिसमें भारत को 136वां स्थान मिला और पहले स्थान पर फिनलैंड। 30वां व्यास सम्मान 2021 के लिए प्रदान किया गया था असगर बजाहत को, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया? तो पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया था ये कनाडा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का स्थान, पहले स्थान पर चाइना रहा था टोक्यो पैरालंपिक में, और टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका रहा था पहले स्थान पर, तो टोक्यो ओलंपिक में जो है भारत का स्थान कितना रहा था? 48वां, और पैरालंपिक में भारत का स्थान 24वां, और इसमें अगर पदक देखेंगे तो 19 पदक के साथ 24वें स्थान पर, जिसमें कि 5 गोल्ड था, और इसमें 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर, जिसमें एकमात्र गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित की है, और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है महाराष्ट्र के द्वारा ऐसा किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट
नूरी का सफल परीक्षण किया है। तो नूरी का जो है सफल परीक्षण किया है कौन सा देश, तो ये जो है साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां, और वहाँ के नेतृत्वकर्ता जो थे बहादुर शाह जफर थे, द्वितीय थे नेता। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? पहला तो आपको पता है कि बम्बई में हुआ था, और दूसरा कोलकाता में हुआ था जिसमें कि दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे, प्रथम में बीमेश चंद्र बनर्जी बने थे मुंबई 1885, और ये हुआ था 1886 में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन अंतिम सिख राजा था? सिख साम्राज्य के अंतिम राजा थे दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह को जो है शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जो है इंग्लैंड भेजा गया था, तो इस प्रकार से अंतिम राजा ही था। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये पुस्तक हैं और इनके लेखक राम मनोहर लोहिया हैं। अगला सवाल है, नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो नील किसान विद्रोह ये हुआ था 1859-60 में, नील विद्रोह। अगला सवाल है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच जो कि 1854 ईस्वी में पारित हुआ था, जिन्हें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? तो विभाजन जो है हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है बंगाल विभाजन के अवसर पर, ऐसा कहने वाले व्यक्ति जो हैं तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होने वाला एक है गदर, जिसके प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में अंकित था? तो ये उर्दू भाषा में अंकित होता था, और 1913 ईस्वी में जो है गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में बनाया था लाला हरदयाल ने। अगला सवाल देखें, क्रांतिकारी संगठन है अभिनव भारत, और ये जो है गठन किया गया था 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर के द्वारा। अगला सवाल, चौरी चौरा कांड के समय, ये 5 फरवरी 1922 को घटना हुआ था, और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे, जिनका समय सेशन 1921 से 26 तक रहा था। अगला सवाल देखें, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? तो पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार जो है किया गया था, स्वदेशी अपनाया गया था और विदेशी का बहिष्कार किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में, और यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का आरंभ किसने किया? अल हिलाल समाचार पत्र के बारे में पूछा जा रहा है, आपको पता है कि ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इसलिए जो है आपको विकल्प में है नहीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दिया? तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर, नाइट या फिर सर की उपाधि को लौटाया था, और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद के उपाधि को लौटाया था और असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर का उपाधि लौटाया था। इल्बर्ट बिल को किस वर्ष लाया गया था? तो इल्बर्ट बिल को लाया गया था 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में। निम्नलिखित मुकदमों में से कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना हुई? तो सबसे बाद में पूछा जा रहा है कि कौन सी घटना हुई, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखें तो लाहौर, ये जो है मेरठ, तो मेरठ हुआ था मुकदमा 1929 में, मेरठ मुकदमा 1929 में। फिर जो है काकोरी हुआ था 1925 में, और ये फिर देखें लाहौर मुकदमा 1815 में हुआ था, 1815 में, और फिर मेरा और फिर जो है कानपुर 1924 में, कानपुर मुकदमा 1924, काकोरी 1925, लाहौर 1815 और मेरठ 1929। तो मेरठ हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि सबसे बाद में हुआ था।
निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया? 1905 ईस्वी में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी प्रारंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में। निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी के द्वारा किया गया ये प्रथम आंदोलन था और ये जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं रहे थे, बाकी महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद और जे बी कृपलानी रहे थे। किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई? और ये दिया गया था 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? यह गांधी जी के द्वारा कहा गया था, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन सा क्षेत्र अपने सर्वोत्तम शोरा एवं अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बिहार क्षेत्र ही प्रसिद्ध था शोरा एवं अफीम के लिए। बंगाल किरायेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बंगाल किरायेदारी अधिनियम 1885 ईस्वी में पारित हुआ था। नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आज़ाद दास्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत किसके निर्देशन में किया गया था? सरदार नित्यानंद के निर्देशन में किया गया था। मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर किस स्थान पर सर्वप्रथम एक अंग्रेजी स्कूल खोली गई थी? तो मैकाले के प्रस्ताव के बाद बिहार में जो है 1835 ईस्वी में पटना में जो है सबसे पहले अंग्रेजी स्कूल की स्थापना हुई थी। मराठा कालीन एक अधिकारी होता था जिनका नाम है मजुमदार। तो ये मजुमदार जो है आय व्यय का निरीक्षण करता था। साइबेरिया का एक विरल सारस का मुगलकालीन चित्र निम्नलिखित में से किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो साइबेरिया का एक विरल सारस ये चित्र जो है प्रस्तुत किया गया था उस्ताद मंसूर के द्वारा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किसके खिलाफ किया था? तो कालिंजर के किले के जीतने में किया था कालिंजर पर, और ये 1545 ईस्वी में किया था, और इस समय कालिंजर के जो है शासक कीरत सिंह थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किए थे, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदवरदाई हैं और कलहन राज तरंगनी के लेखक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में एक मेलोहा शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। वैदिक काल में वज्रपति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो वैदिक काल में वज्रपति शब्द का प्रयोग किया गया था चारागाह भूमि कर अधिकारी के रूप में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। महाविभास सूत्र की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान की गई थी? तो महाविभास सूत्र की रचना चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में की गई थी वसुमित्र के द्वारा, और यह कुंडल वन कश्मीर में हुआ था कनिष्क की देखरेख में वसुमित्र की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ राजधानियां है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का मथुरा और गंधार का तक्षशिला, ये सब सही हैं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी विकल्प मैचिंग किए हैं। सैंड्रोकॉट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने जो है सैंड्रोकॉट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा किया गया?
तो गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, और पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अगले प्रश्नों को देखें। नंद वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो मगध पर शासन करने वाले प्रमुख वंशों की देखें तो सबसे पहले हसीन मै सुकस, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश। तो यहाँ पर नंद वंश पूछा जा रहा है, नंद वंश के पास है मैस, ये जो है मौर्य वंश, और मौर्य वंश आपको विकल्प में नहीं है तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें। चीनी यात्री ह्वेन सोंग ने अपनी यात्रा के दौरान किस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो अपनी यात्रा के दौरान प्राचीन विश्वविद्यालय में जो अध्ययन किया था तो ये था नालंदा। अगला सवाल। बिहार का अंतिम अफगान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो दाऊद खां कारवानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। मुगल काल में कृषि भूमि माप के लिए प्रयुक्त पैमाना निम्न में से कौन था? तो मुगल काल में जो गुप्त काल में पूछा जा रहा है, गुप्त काल में कृषि भूमि माप के लिए प्रयुक्त पैमाना, तो बहुत सारे पैमाना था जिसमें निवर्तन, निर्वतन और कुल्यावाप, द्रोणवाप, आढ़वाप, ये सब जो है प्रयोग किया जाता था पैमाना गुप्त काल में। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उर्वरक के लिए बादामी क्रांति, बादामी क्रांति किसके लिए है? मसाला उत्पादन के लिए। और उर्वरक के लिए कौन सा है क्रांति? भूरी क्रांति, तो आपका ये गलत है। कपास के लिए स्वर्ण रेशा क्रांति, ये सही है। प्याज के लिए गुलाबी क्रांति, झींगा मछली प्याज, ये सही है। आलू के लिए गोल क्रांति, ये भी सही है। आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे कहते हैं नाबार्ड, तो नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? देखते हैं। कहा जा रहा है कि ऑप्शन ए में कि यह कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों पर जारी की जाती है, ये बात सही है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन समिति ने यह सिफारिश की थी कि MSP औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए, ये भी सही है। और MSP भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है, ये भी सही है। और ये विकल्प हैं, MSP के निर्धारण में मुख्य भूमिका उत्पादन लागत की होती है, ये भी सही है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सुमेलित हैं, सभी सत्य हैं। अगला सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता है? केंद्रीय बैंक है RBI, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो इनका कार्य देखेंगे तो यह देश की मुद्रा जारी करता है, ये कार्य है, और अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण के रूप में कार्य करता है, और वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता होता है, और सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये सभी काम RBI का है। तो आपका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सही है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में से जब आप विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को आप घटाएंगे तो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा, यानी कि ये जो है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई? 1966-67 में हरित क्रांति हुई थी, 67-68 में, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही ऐसी जो है नीति अपनाई गई थी। अगला सवाल देखें। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम FERA फेरा की जगह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA फेमा को कब लागू किया गया था? 1 जून 2001
ईस्वी में, 1 जून 2000 में फेरा के जगह फेमा को लागू किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। अगला सवाल देखें, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी जर्मनी के सहयोग से, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है, यानी कि घटिया मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को जो है बढ़िया मुद्रा को प्रचलन से बाहर कह देता है? तो ये ग्रेसम जो है मुद्रा से संबंधित मुद्रा के प्रचलन का नियम दिया था ग्रेसम, तो ग्रेसम के नियम से ये संबंधित हैं। अगला सवाल देखें, किस तिथि को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में 29 जून को मनाया जाता है, 18 जून को नेल्सन मंडेला दिवस और 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त किया था? सिंगापुर से। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बजट 2022-23 में चर्चा में रहा था पर्वतमाला परियोजना, तो पर्वतमाला परियोजना चर्चा में रहा था और इनका संबंध जो है पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के विकास से है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2022-23 में किस वर्ष तक जो है सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य निर्धारित की गई है? 2025 तक जो है सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य निर्धारित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है? तो ये मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 में की गई है। अगला सवाल है, संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत से कौन सा मिलान सही है? देखते हैं कौन सा मिलान है सही। विधि का शासन अमेरिका से नहीं लिया गया है, बल्कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से, तो इसलिए राइट आंसर ये तो आपका मैचिंग गलत है। और राष्ट्रपति की जो है चुनाव की पद्धति ये लिया गया था आयरलैंड से, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से, तो ये भी गलत है। और संसदों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ये सही है, और समानता और बंधुता फ्रांसीसी संविधान से ये भी सही है। 3-4 सही हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए आधारभूत है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनका उल्लेख भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, और मूल कर्तव्य भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के ए कहिए या फिर क कहिए, और मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? तो अनुच्छेद 21 का हिस्सा देखेंगे, आजीविका का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये सब अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 में, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? चलिए देखते हैं विभिन्न विकल्पों को। राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये बात सही है। एक बार जारी किए जाने के पश्चात अध्यादेश केवल संसद द्वारा इस संदर्भ में पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही निरस्त किया जा सकता है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब जारी की जा सकती है जब संसद के सदनों में किसी एक का सत्र चल रहा हो, अगर जब दोनों सदन का सत्र नहीं चलेगा तब जारी किया जाएगा, इसलिए यह गलत है। और एक अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निराशित या निरसित कर सकता है, परंतु इसे संविधान संशोधन हेतु नहीं किया जा सकता है। तो अध्यादेश के बारे में कहा जा रहा है कि एक अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है, परंतु इसे संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता है, ये सही है। सी विकल्प हो जाएगा जो कि गलत है।
निम्नलिखित में मिलान करना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 और राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है और संसद का सत्र सत्रावसान और भंग करना ये अनुच्छेद 85 में है। तो आंसर ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 यानी कि सीधे सीधे मिला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? सरकार की संसदीय प्रणाली बहुमत दल का शासन है, दोहरी कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, लेकिन शक्तियों का पृथककरण जो है ये सरकार की संसदीय प्रणाली नहीं बल्कि ये अध्यक्षीय प्रणाली का उदाहरण है। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। विधानसभा में सीटों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, ये बात सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है ये भी सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण नहीं करता है, ये भी सही है। और अगला विकल्प देखें। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या फिर 62 वर्ष उम्र दोनों में से जो पहले हो उसके लिए पद धारण करते हैं। 62 नहीं, यहाँ पर हो जाता कितना वर्ष? यहाँ पर हो जाता 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाता उस उम्र तक जो है वो पद पर जो है धारण किए हुए रहते हैं। तो इसलिए जो है विकल्प डी आपका जो है गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प डी ही हो जाएगा। अगला सवाल देखें। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेजा जाता है अनुच्छेद 111 के तहत, जिसमें राष्ट्रपति को इस विधेयक पर अपनी अनुमति या फिर वीटो शक्ति का प्रयोग का जो है जिम्मेदारियां दी गई है। अगले सवाल को देखें। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? देखते हैं। यह समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बात सही है। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करती है, ये भी सही है। और यह समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, ये बात गलत है। केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत, और ये समितियां सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है, ये सही है। सी विकल्प जो है आपका गलत है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? देखते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ये बात सही है। और राज्यसभा धन विधेयक प्रस्तुत अस्वीकार संशोधित नहीं कर सकती है, तो ये भी बात है। राज्यसभा ना इसे अस्वीकार कर सकता है ना ही संशोधन। प्रत्येक धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, ये भी बात सही है। और यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, यह भी सही है कि यह जो है केवल मंत्री द्वारा पेश की जाती है सत्ताधारी के द्वारा। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सही ही है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय नहीं है? ये प्रतिरक्षा किस सूची में है? तो यह है आपका संघ सूची में। प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है, और बाकी सब जो है बिजली, श्रम कल्याण और वन, ये सब समवर्ती सूची का हिस्से हैं। निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख, ये सही है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी सही है। और चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। और पांचवी अनुसूची मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये सब जनजातीय क्षेत्र, ये पांचवी में नहीं है बल्कि ये
छठी अनुसूची में है, तो इसलिए ये गलत है। अगले सवाल को देखें। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष ना रहेगा तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये भी ना रहेगा तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी सैंडल पीक है, सैंडल पीक है और ये उत्तरी अंडमान में है। अगला सवाल है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? देखते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त नहीं होगा, ये जो है परिणाम क्या होगा, और ये घूर्णन गति के बारे में कहा जा रहा है, ये बात सही है। दिन और रात्र नहीं चक्र नहीं होगा, ये भी सही है, और जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा, ये भी सही है। केवल एक ऋतु होगी, ये गलत बात है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन गति का नहीं ये बल्कि परिक्रमण गति का परिणाम है, परिक्रमण, क्योंकि ये सूर्य के जो है परिक्रमा करते हैं, उसी के कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं, बर्निहाल दर्रा जम्मू कश्मीर ये सही है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड सही है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, दीफू दर्रा मणिपुर ये जो है गलत है। दीफू दर्रा कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा, यही लिए जो है ये गलत है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, ये सही है, पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, और दुलहस्ती परियोजना झेलम नहीं होगा बल्कि चिनाब होगा, इसलिए जो है ये गलत है। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच हैं? तो अरल सागर जो है ये किन के बीच है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है, ये तो सही है, और देखें डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर को जोड़ती है, बेफिन की खाड़ी लेब्राडोर को, ये भी सही है, और बास ये डोबर जल संधि भूमध्य सागर इंग्लिश चैनल, डोबर जल संधि जो है ये कि कहाँ कहाँ के बीच है? यूके और फ्रांस के बीच है, फ्रांस और यूके, तो फ्रांस में हो जाएगा क्या? तो फ्रांस में हो जाएगा उत्तरी सागर, ये जो है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है यूके और फ्रांस को, डोबर जल संधि, इसलिए ये गलत है। और बास जल संधि तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को जोड़ता है बास जल संधि, तो ये सही है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात है तो बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में ये सही है, कैंटबरी न्यूजीलैंड में ये सही है, घास का मैदान डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और पुस्ताज हंगरी में, ये भी सही है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सुमेलित है। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, एक तरफ देश है एक तरफ राजधानियाँ दी गई है, तो ओमान जो है ओमान की राजधानी मस्कट, वियतनाम की राजधानी हनोई, फिजी की राजधानी सूबा और फिलीपींस की राजधानी मनीला है, इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 17.7% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु मध्य चिली में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिण तट पर पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, मोरक्को अल्जीरिया और ट्यूनिशिया के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि सभी क्षेत्र में पाई जाती है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी क्षेत्र में पाई जाती है। ये हैं आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।